इस वीडियो को अंत तक सुने क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सही बात है, बिल्कुल। आजकल अपना व्यवसाय हो या मन की शांति के लिए मेडिटेशन या फिर दुनिया के किसी भी काम पर ध्यान देना हो, सार यह है कि कोई भी काम करें उसमें पूरी तरह ध्यान लगाना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप उसमें सफल हो सकते हैं। हालांकि यह कार्य आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। इस वीडियो में आप एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसे सुनने के बाद आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि हमारा मन किसी काम पर क्यों नहीं टिकता और मन को किसी कार्य पर केंद्रित करने के लिए हमें क्या करना होगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको इस कहानी में अपने मन को केंद्रित करना होगा और यही ध्यान केंद्रित करने की यात्रा में आपका पहला कदम होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जैन गुरु अपने शिष्यों को प्रतिदिन ध्यान यानी मेडिटेशन सिखाते थे। एक दिन एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत उलझन में हूं। एक सवाल मुझे परेशान कर रहा है और मैंने उसका उत्तर पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई समाधान नहीं मिला। क्या आप मुझे उस सवाल का उत्तर देंगे? गुरु ने कहा, हां, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तब शिष्य ने कहा, गुरुजी, जब भी मैं पानी पीता हूं तो मेरी प्यास बुझ जाती है और ऐसा ही सभी के साथ होता है। जब भी कोई पानी पीता है उसकी प्यास बुझ जाती है। पानी सभी के लिए एक समान प्रभाव डालता है, लेकिन ध्यान के मामले में ऐसा क्यों नहीं होता? हम सब आपके बताए नियमों के अनुसार ध्यान करते हैं, फिर भी कुछ लोग बहुत जल्दी ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं, कुछ थोड़ी देर बाद, और कुछ कभी भी उस अवस्था में नहीं पहुंच पाते। यही सवाल मुझे बार बार परेशान करता है कि जब सभी को एक समान पानी दिया जाता है तो सबकी प्यास बुझ जाती है, लेकिन ध्यान में यह समानता क्यों नहीं होती? शिष्य की बात सुनकर जैन गुरु ने कहा, तुम्हारा सवाल यह है कि जब तुम ध्यान करने बैठते हो तो तुम्हारा मन उस पर क्यों नहीं टिकता, और ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों का मन ध्यान पर जल्दी एकाग्र हो जाता है जबकि कुछ का देर से और कुछ का तो कभी नहीं? शिष्य ने कहा, हां गुरुजी। गुरु ने कहा, किसी भी काम में मन का ना लगना सिर्फ तुम्हारी समस्या नहीं है, यह सबकी समस्या है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब कल मिल जाएगा। कल गांव के एक व्यक्ति ने मुझे अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया है, इसलिए जब मैं उसके घर जाने के लिए निकलूंगा तो तुम भी मेरे साथ चलना। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। अगले दिन जब गुरु जाने लगे तो शिष्य भी उनके साथ चल पड़ा। कुछ समय बाद वे दोनों गांव में एक सेठ के घर पहुंचे। सेठ ने उन दोनों का स्वागत किया और बैठने के लिए कहा। फिर सेठ ने अपनी पत्नी से तीनों के लिए खाना परोसने को कहा। जैसे ही सेठ ने पहला निवाला खाया, वह तुरंत गुस्से में अपनी पत्नी पर चिल्लाया, यह कैसा खाना है जिसमें कोई स्वाद नहीं है, और गुस्से में वह खाना छोड़कर वहां से चला गया। यह सब देखकर उसकी पत्नी बहुत शर्मिंदा हुई और जैन गुरु और उनके शिष्य से माफी मांगते हुए बोली, कृपया मुझे क्षमा करें, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाती हूं। जैन गुरु ने सेठ की पत्नी से कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, यह खाना बहुत स्वादिष्ट है। फिर दोनों ने खाना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में खाना खा लिया, लेकिन गुरु ने अपनी थाली में दो रोटियां छोड़ दी और सेठ की पत्नी से कहा, क्या तुम यह दो रोटियां बांध कर मुझे दे सकती हो? सेठ की पत्नी ने दोनों रोटियां बांधकर गुरु को दे दी। इसके बाद दोनों वहां से चलने लगे और जाने से पहले उनकी मुलाकात उस सेठ से हुई। सेठ को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ और वह उन दोनों से माफी मांगने लगा। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, और दोनों वहां से चले गए। रास्ते में गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, तुम्हें खाना कैसा लगा? शिष्य बोला, गुरुजी, खाना बहुत स्वादिष्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु ने पूछा, क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ और महसूस नहीं हुआ? शिष्य बोला, गुरुजी, इसके अलावा मुझे और क्या लग सकता है, स्वादिष्ट खाना खाकर मुझे अच्छा लगा और मेरी भूख भी मिट गई। गुरु ने कहा, खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन जो खाना हमें परोसा गया था वही उस सेठ को भी परोसा गया था। फिर उस सेठ को खाना क्यों पसंद नहीं आया?
यह सुनकर शिष्य सोच में पड़ गया और बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं, आप ही कुछ बताइए। गुरु ने कहा, तुम मेरे साथ चलते रहो। चलते चलते वे दोनों बहुत दूर निकल गए। शिष्य ने गुरु से कहा, हम मठ के रास्ते पर नहीं हैं, हम कहां जा रहे हैं? गुरु ने कहा, तुम बस चलते रहो। थोड़ी देर चलने के बाद एक बहुत ही गरीब आदमी गुरु के सामने आया और उनके पैरों में गिरकर बोला, मुझे 4 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। गुरु ने उस गरीब आदमी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और जो 2 रोटियां उन्होंने बांधी थी उन्हें उस गरीब आदमी को दे दी। रोटियां देखते ही वह जल्दी से उन्हें खाने लगा। खाते समय उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह रोते हुए खा रहा था और अपने हाथों से ऐसे इशारे कर रहा था जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से कह रहा हो, इस रोटी के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। रोटी खाने के बाद उस गरीब आदमी ने गुरु को धन्यवाद दिया। गुरु ने उससे पूछा, रोटी का स्वाद कैसा था? गरीब आदमी ने कहा, इसमें स्वाद नहीं था, इसमें तो जीवन था। यह रोटियां नहीं थी बल्कि इसमें स्वयं ईश्वर थे। यह कहकर वह वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखा, भोजन तो वहीं था लेकिन उस सेठ को इसमें कोई स्वाद नहीं लगा, मुझे यह स्वादिष्ट लगा और तुम्हें भी भोजन अच्छा लगा, लेकिन इस गरीब आदमी को उसमें स्वाद नहीं बल्कि ईश्वर और भगवान दिखाई दिए। इससे पता चलता है कि हम जो भोजन करते हैं उससे हमें अलग अलग संतुष्टि मिलती है। पहले व्यक्ति यानी वह सेठ, उसे इससे कोई संतुष्टि नहीं मिली। दूसरे हम हैं जिन्हें थोड़ी संतुष्टि मिली, और तीसरा यह गरीब आदमी है जिसे अपार संतुष्टि मिली। यही बात ध्यान पर भी लागू होती है। मन की शांति पाने के लिए व्यक्ति जितना अधिक तत्पर होता है वह ध्यान की गहराई में उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता है, और यह वही व्यक्ति कर सकता है जो ध्यान के महत्व को अच्छी तरह समझता हो। जैन गुरु की यह बातें सुनकर शिष्य को अपने सवाल का उत्तर मिल गया। उसने गुरु को धन्यवाद दिया और दोनों वापस मठ की ओर चल पड़े। चलते चलते गुरु ने शिष्य से कहा, लेकिन यह उतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। यदि तुम चाहते हो कि तुम जो भी काम करो उसमें तुम्हारा ध्यान केंद्रित रहे, तो इसके लिए तुम्हें मन को समझना होगा। यदि तुम मन को समझे बिना कोई काम करोगे तो संभव है कि तुम ज्यादातर कामों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे और परेशान होते रहोगे। गुरु की बात सुनकर शिष्य की मन को समझने की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह गुरु से कहता है, गुरुजी कृपया मुझे मन के बारे में विस्तार से बताइए। फिर गुरु मन के बारे में विस्तार से समझाना शुरू करते हैं। गुरु कहते हैं, मन इतना चंचल होता है कि यदि इस पर काबू ना पाया जाए तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, और यह बेचैनी पल भर में मन में आने वाले सैकड़ों सवालों की वजह से होती है, और यह बेचैनी तब तक बनी रहती है जब तक व्यक्ति को मन में चल रहे सवालों के उत्तर नहीं मिल जाते। यही कारण है कि हम किसी भी काम पर ध्यान नहीं लगा पाते, और काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। शिष्य ने पूछा, मास्टर हम मन को शांत कैसे रख सकते हैं? जैन मास्टर ने कहा, इसके लिए तुम्हें मन को अच्छे से समझना होगा, तभी तुम अपने मन को शांत रख सकते हो, और जब तुम्हारा मन शांत होगा तो इसका मतलब है कि वह तुम्हारे काबू में है। शिष्य ने पूछा, मन को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? जैन मास्टर ने कहा, मैं तुम्हें मन को समझने के 6 तरीके बताऊंगा, उन तरीकों को ध्यान से सुनना। पहला तरीका है अपने मन द्वारा दिए गए बेकार के लालच को देखना और उसे समझना। जब हमारा मन अंशा होता है तो हमें कई तरह के लालच देता है, और यही लालच हमारी परेशानियों का कारण बनता है। लेकिन जिसने मन के लिए लालच को पहचान लिया उसने मन को समझने का पहला तरीका सीख लिया। शिष्य ने पूछा, मास्टर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच बेकार है? मास्टर ने कहा, इसका पता हमें अपने अनुभव से चलता है और कभी कभी दूसरों के अनुभव से भी। मन के लालच में आकर जो भी काम किया जाता है उसमें नुकसान ही होता है, नुकसान के बाद ही अनुभव होता है। यही अनुभव मन को समझने का पहला कदम है। फिर जैन मास्टर ने शिष्य को 4था तरीका बताया। मन को समझने का 4था तरीका है कर्म। खुद को जानने के लिए सही दिशा में काम करना जरूरी है, लेकिन काम करते समय इंसान 2 गलतियां करता है। पहली गलती है किसी काम को शुरू ही नहीं करना
और दूसरी गलती है काम शुरू करके उसे पूरा न करना। इन दोनों गलतियों के पीछे हमारा मन ही होता है। कुछ लोग इसलिए अपना काम शुरू नहीं कर पाते क्योंकि वे सोचते हैं कि वे काम कल से शुरू करेंगे और कुछ को लगता है कि वे फेल हो जाएंगे। इन गलतियों का मुख्य कारण है अवेयरनेस की कमी। अवेयरनेस की कमी के कारण ही मन इंसान को सही दिशा में आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए मन को जानने और समझने का पांचवा तरीका है अवेयरनेस। हर काम को अवेयरनेस के साथ करना बहुत जरूरी है। बिना अवेयरनेस के जिया गया हर पल और किया गया कोई भी काम मौत के समान है। शिष्य ने मास्टर से पूछा, मुझे अपनी अवेयरनेस के लेवल को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मास्टर ने कहा, ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान के जरिए ही अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है। ध्यान मन को जानने, समझने और काबू करने का आखिरी तरीका है। ध्यान वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जो व्यक्ति पहले पांच तरीकों से मन को समझ लेता है वह मन को जीत लेता है और अपने मन पर पूरा कंट्रोल कर लेता है। शिष्य को अब जैन मास्टर की बातों से सब कुछ समझ में आ गया था। उसने मास्टर को पूरे दिन की यात्रा और ध्यान व मन के बारे में इतनी जरूरी जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिया। यात्रा समाप्त हो गई। आशा है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा।